शिकार दाज का मामला क्या है? दादा ठाकुर, ये दो भाई रघुनाथ और लखन रामलाल के बेटे हैं। माँ बाप के जीते जी घर जमीन जायदाद सब कुछ बांट चुके हैं। अब झगड़ा माँ बाप के बंटवारे को लेकर उठा है। माँ को अपने पास रखने के लिए तो दोनों तैयार हैं, पर बाप को रखने के लिए कोई राजी नहीं है। क्या ये सच है? जी दादा ठाकुर, माँ बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गई है, इसलिए उसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। दादा ठाकुर, मैं बचपन से ही माँ को बहुत चाहता हूँ, माँ के बिना रह नहीं सकता, इसलिए माँ की सेवा करने का अधिकार मेरा है। वैसे भी पिताजी भैया को बहुत चाहते हैं, भैया को उनकी देखभाल करनी चाहिए। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक लड़का और एक लड़की है। और तुम्हारे? मेरा एक ही बेटा है दादा ठाकुर। अच्छा, तुम दोनों में से जो भी अपनी माँ को अपने पास रखना चाहता है उसे अपने पिता के पास अपने बेटे को भेजना होगा, क्योंकि बुढ़ापे में उनकी सेवा करने वाला कोई तो चाहिए ना। ये कैसे हो सकता है? 10 साल से जिस बेटे को प्यार से अपने सीने से लगाकर रखा है उसे अपने से अलग कैसे कर दें? मेरे बेटे के भाग नहीं फूटे हैं जो ससुर जी की सेवा करने का दुख झेले, चाहे तो देवर जी सासू जी को अपने पास रखें। तो क्या मेरे बेटे के भाग फूटे हैं? सासू जी को भले जेठ जी ले जाए। मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगा। मैं भी मेरे बेटे को नहीं भेजूंगा। तुम माँ को अपने पास रख लो। नहीं, तुम रखो, तुम रखो, तुम अपने पास रखो, तुम अपने पास रखो। खामोश। तुमने अपने बेटे की परवरिश सिर्फ 10-12 साल की, और आज जब अपने पिता के पास भेजने की बात आई तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, छटपटा गए तुम दोनों। और जिन माँ बाप ने 40 साल तक दिन रात अपने सीने से लगाकर फूलों की तरह तुम्हें पाला, पढ़ाया लिखा, शादी की, अपनी जमीन जायदाद रुपया पैसा सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया, उम्र के आखिरी इस दौर में उन्हीं माँ बाप को जुदा करने की सलील हरकत कर रहे तुम दोनों। अरे कोक में अपना लहू पिला पिला कर जिसने तुम्हारी रचना की, तुम्हें जीवन देने के लिए मर मर कर कई बार जो जी है बेचारी, वो है तुम्हारी माँ। अपना खून जला जला कर तुम्हें रोटी खिलाने वाला, अपनी खुददारी पर चोट खा खा कर तुम्हें खुशी देने वाला इंसान तुम्हारा बाप है, और इन्हीं माँ बाप की जिंदगी भर की दौलत है तुम दोनों भाई। मुझे मालूम है तुम दोनों अपनी माँ को अपने पास क्यों रखना चाहते हो, ताकि वो तुम्हारे घर में खाना बनाए, तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हारे बच्चों की देखभाल करे, और तुम्हारी बीवियां पलंग पे लेटे लेटे हुक्म चलाए। तुम्हें मां नहीं चाहिए, तुम्हें मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी चाहिए, नौकरानी। बाप इस बुढ़ापे में कमा नहीं सकता, तुम्हारे खेतों में हल चला नहीं सकता, बोझ लगने लगा है तुम्हें, इसलिए अब तुम्हें बाप की जरूरत नहीं। और जिस दिन तुम्हारी मां से भी घर का काम नहीं हो सकेगा, तुम उसे भी कचरे की तरह घर से बाहर फेंकोगे। अरे नालायको, माँ बाप को अपनी पलकों पर बिठाकर उनकी सेवा करना तो हमारा परम धर्म है। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर बनाकर अपने माँ बाप की पूजा करो, मगर किसी मंदिर के सामने अपने माँ बाप को भीख मांगने पर मजबूर तो मत करो। बुढ़ापे में पति पत्नी का रिश्ता दिया और बाती जैसा होता है, बाती को अलग कर दो तो दिया बुझ जाता, वैसे ही इस उम्र में इन्हें अलग कर दिया तो ये मर जाए। इतिहास गवाह, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो बेटा कभी सुखी नहीं रह सकता। हमें माफ कर दीजिए दादा ठाकुर, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, अपने माँ बाप से मांगो जिनका दिल तुमने दुखाया है। अब इनकी आखिरी सांस तक तुम्हें इनकी सेवा करनी पड़ेगी, वरना तुम इस गांव में नहीं रह सकते। ये हमारा फैसला है। सरसों के नए बीज है। जितने समय में हम पहले एक फसल काटते थे, अब उतने ही समय में इन बीजों के द्वारा 2 फसल काट सकते हैं। और एक खासियत इन बीजों की यह है कि इनकी सिंचाई और खाद का खर्चा बहुत ही कम है। कैसे चल रहा है सब कुछ? नकुल जी से नई फसल बोने का तरीका सीख रहे हैं। ठीक से समझा रहा ना मेरा भाई? दादा ठाकुर, आपने नकुल को इतना पढ़ा लिखा कर हमारी भलाई के लिए गांव में ही रखा, इस उपकार के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो, इसमें उपकार की क्या बात है? गांव में एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फर्ज है, और फिर नकुल इसी मिट्टी में पैदा हुआ है,
पढ़ लिख कर इस गांव की मदद नहीं करेगा तो और किसकी करेगा? क्या बात है, सब ठीक तो है? कुछ गुंडे हाट में आकर मारपीट कर रहे हैं। हाँ दादा ठाकुर, हमारा माल तोड़ फोड़ दिया, गुंडे लोगों को तंग कर रहे हैं, औरतों को छेड़ रहे हैं। हमें बचा लीजिए ठाकुर, बचा लीजिए। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अपने भाई अर्जुन को भेजता हूँ, वो सबसे निपट लेगा। आप लोग जाइए। दोबारा इस गांव में आने की कोशिश की तो यहां से तुम्हारी लाशें जाएंगी। यह दादा ठाकुर का हुक्म है। घोड़ों को चारा खिला दिया कलवा। भैया, ये घोड़ा सिर्फ आपका ही हुक्म मानता है, किसी को हाथ तक लगाने नहीं देता, उल्टा लात भी मारता है। वो क्या है नकुल, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना उसे ये बहुत लात मारता है, और जो मेरे जैसा अनपढ़ होता है ना उसे बहुत प्यार करता है। क्या? हाँ सच। अर्जुन, नकुल, जल्दी आओ, नाश्ता लग गया है। भाभी भागो। फिर शुरू हो गए तुम भाभी? चलो बैठो। कमाल की भूख लगी है भाभी, सही वक्त पे बुला लिया आपने हमें। लो खा। भाभी जलेबी कहाँ है? अरे वाह, इतनी प्यार से बनाई है, इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगी, सबर करो अभी ले आई। सुबह सुबह जलेबी खा रहा, मोटा नहीं होगा तो क्या होगा? भैया खाना तो ठीक से खाया करो, क्या भैंसे की तरह आवाजें निकाल रहे हो? भैंसे की तरह? अच्छा तू मुझे सिखाएगा खाना कैसे खाया जाता है? छोटा होके बड़े को सिखाता? अरे वाह, इसमें छोटे बड़े की क्या बात है भैया, खाना खाते वक्त आवाज करना बदतमीजी होती है। क्या तूने मुझे बदतमीज कहा? नहीं भैया, आप संभाल संभाल के बात कर, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हो या मैदानी जंग में? भाभी ये कह रहा था कि मैं भैंसे की तरह खाना खाता हूँ। भैया आप झूठ बोल रहे हैं। भाभी मैं ऐसे कह सकता हूँ? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि खाना खाते वक्त आवाज करना बदतमीजी। अरे जरा पढ़ क्या लिया, अपने आपको अंग्रेज समझने लगा? भैया इसमें अंग्रेज की बात कहाँ से? और क्या? आप तो कुछ भी बोलते रहते। चुप, आप दोनों खामोशी से खाते हो या खोले हम जादू की पुड़िया? जादू की पुड़िया नहीं समझे? अजी सुनिए, ए माई कुछ खाने के लिए दे, दो दिन से भूखा हूँ। माफ करो बाबा, आगे जाओ। ए माई खाने के लिए कुछ दे, दो दिन से भूखा हूँ, पेट में अन्न का एक दाना नहीं है। ये लो।
ना माई ना, मैं तेरे घर की भीख नहीं लूंगा। तेरे परिवार को बिरादरी से अलग किया हुआ है। अगर मैं तेरी भीख लूंगा तो इस गांव में मुझे कोई भीख नहीं देगा। क्षमा करना। हो गया तेरा कलेजा ठंडा या हमें और बेइज्जत करवाएगी? 18 साल से ये कस्बा बिरादरी मुझ पे थूक रहा था, आज एक भीख मंगा भी थूक के चला गया मुंह जाकर। 18 साल से अपमान सहने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई है? तुम माजी को ताने दे रहे हो साली कमीनी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू अपनी इज्जत के बदले रुपया मांगती, जमीन मांगती, मैं सब देता, मगर नहीं, पंचायत को बुलाकर जबरदस्ती मेरी बीवी बन गई मुंह उठा के। तो और क्या करती है? क्यों अपनी मान मर्यादा को भुलाकर इसकी इज्जत से खेला था? मर्यादा को मैं नहीं, तेरा वो धर्म भाई गजराज ठाकुर बोला था, जिसने इस रास्ते की मेरे गले बांध कर 18 साल के लिए हमारा हुक्का पानी बंद करवा दिया। मुझे देखकर जो लोग अपना सर झुका लेते थे, वही लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। यहां तक कि मेरा बाप जो मरा था, उसकी अर्थी को कांधा देने के लिए कोई हरामजादा नहीं आया, अकेला मैं उसकी लाश को उठा के शमशान घाट गया। इस 2 टके की औरत की इज्जत लूटने की सजा इतनी बड़ी होती है? चुप कर नालायक, तू किसी औरत और उसकी इज्जत की कीमत क्या जाने? अरे सैकड़ों ठाकुरों की आन नीलाम करके भी एक औरत की इज्जत की कीमत पूरी नहीं होती। तुझे तो बहुत छोटी सजा मिली है। गजराज ठाकुर की जगह अगर मैं होती ना तो सूली पे टांग देती तुझे। बस एक शब्द भी और बोली ना लत्या डालूंगा, फोड़ डालूंगा तेरा चेहरा। क्या तू मुझे लत्याएगा? मुझे, अपनी जन्म देने वाली माँ को? तुझे माँ का दर्जा मैंने दिया है, अगर मैं पैदा नहीं होता तो तू माँ नहीं बनती, बांझ कहलाती बांझ। तू जैसी औलाद से तू मैं बांझ ही रहती तो अच्छा होता। मेरे बाप, तू जहाँ भी है मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। चल। और माँ आ और जा घर में आते ना अपन ना एक और गा एक। अरे क्या हो गया ना काला ठाकुर? अरे चुप, कृपया आप यहाँ मर्दों में आ जाइए, ये औरतों की जगह है। अरे ये तुम्हारा मतलब मैं ये जो सुंदरी के साथ कर रहा हूँ वो मर्दों के साथ करूँ? माफ करना मास्टर, मुझे नवाबी शौक बिल्कुल नहीं है। खामोश, मैं जो कहता हूँ वो करो। देखो मैं तुम्हारा हुक्म मानने वाला नहीं हूँ, मैं ठाकुर खानदान से हूँ, मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा दिखेगा। अरे कौन है? चुप, बाप के दिने ये सरस्वती के मंदिर में बैठ कर रति की पूजा करना ये तुझे शोभा देता है? अरे क्या कर रही है? हाथ निकाल, हाथ निकाल वरना काट डालूंगा तुझे मैं। हाथ निकाल। अरे मार रहा है ये, मुझे मार रहा है ये, माँ के पुत्र मुझे मार रहा है। ए गोरा ठाकुर, बाप पे इस तरह हाथ नहीं उठाते। अरे मेरा बस चलता तो मेरे बाप की नसबंदी करवा के गांव के बाहर फेंक देता, लेकिन क्या करूं, ये साला मुझे बताता नहीं है कि मेरी माँ कौन है और कहाँ है। ओ गांव की माँ हो, मेरी शक्ल से तुम्हारी शक्ल मिलाओ, और अगर उसमें से कोई मेरी माँ है तो मुझे गले से लगाओ। ओ माँ हो मिलाओ। नो माय सन, नो, इसमें तेरी माँ नहीं है। नहीं है तो मैं तो टेम्पररीली तेरे लिए नई माँ ढूंढने यहाँ आया था। क्या बात है? अगर तूने मुझे लाठी लगाई तो मैं जिंदगी भर तेरी माँ का पता नहीं बताऊंगा, और तू भरतपुर की गलियों में माँ 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 करते फिरता रहेगा, और तुझे तेरी माँ नहीं मिलेगी, माँ के पुत। बार बार यही बात करके मेरे जज्बातों के साथ खेलता रहता है और मेरा गुस्सा हमेशा ठंडा हो जाता है।
अर्जुन, हमारे एक दोस्त है राम सिंह ठाकुर, जिनके शहर में एक सीमेंट की फैक्ट्री है। उनकी इकलौती बेटी का रिश्ता है तुम्हारे लिए। लड़की शहर में पढ़ी लिखी मॉडर्न ख्यालात की है। यह तस्वीर देखो और बताओ कि तुम्हें लड़की कैसी लगी। अगर पसंद आ जाए तो हम तुम्हारी शादी की बात पक्की कर देंगे। बड़े भैया, मेरे देखने की जरूरत नहीं है, आप और भाभी देखकर पसंद कर लीजिए ना। हमें तो लड़की पसंद है, लेकिन तुम भी देख लो तो क्या हर्ज है। बाद में तुम ही कहोगे कि लड़की ऐसी है वैसी है तो मुश्किल हो जाएगी। बड़े भैया, आप सारे कस्बे के अच्छे बुरे का फैसला करते हैं, तो आप क्या मेरे लिए गलत फैसला करेंगे? आप ही देख लीजिए ना। ए, लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहे हो? देख के बता दो ना। अभी आप मुझे मरवाओगी। शर्मा रहा है मुनीम जी? जी मालिक। ये फोटो अर्जुन को दिखाइए और उसे पूछिए कि लड़की पसंद है या नहीं, ताकि हम ठाकुर साहब को जवाब दे सके। कितना खुश नसीब हूं कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। हर औरत की तमन्ना होती है कि वो मां बने, उसकी अपनी औलाद हो, लेकिन तुमने मेरे भाइयों को अपनी औलाद समझकर अपनी उस इच्छा को मार डाला। मैं तुम्हारे इस त्याग की कीमत को शायद किसी जन्म में भी चुका नहीं पाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो? ये तो हमारा कर्तव्य है, भाभी भी तो मां समान होती है। लक्ष्मी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हर जन्म में तुम ही मेरी पत्नी बनो। क्या हुआ? अरे अरे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या? कोई देख लेगा, बैठो ना। क्या कर रहे हो? अरे खेल रहा हूँ, लोग कहते हैं हमारे खेलने कूदने के दिन है। ये मीना, ये तुमने क्या किया? भाभी के सर पर चावल गिरा दिए। अरे वाह, गलती तुम्हारी है, अपना इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। मैंने कोई मैंने? बात नहीं, ये तो शुक्र करो कि तुम्हारे हाथ में चावल था, कहीं गर्मा गर्म दाल होती तो हमारा तो खलियान हो ही जाता। क्यों? कोई बात ये लो। नहीं भाभी, मैं मीठा मीठा नहीं खाऊंगा, बड़े भैया को खिलाओ ना। ठीक है। लेकिन ये मीठा मैं जरूर खाऊंगा। छोड़ो ना। मालिक, ये हमारे स्कूल की नई मास्टरनी है। नमस्ते। नमस्ते। यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। अकेली आई हो? जी, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, रहने का इंतजाम होते ही मैं अपनी माँ को बुला लूंगी। ठीक है, हम तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा देंगे। सफर से थकी हो, आराम करो, स्कूल के बारे में कल बात करेंगे। जी अच्छा। अर्जुन आया भैया। अरे ये क्या, खाना छोड़ के कहाँ जा रहे? भैया बुला रहे हैं। बुला रहे हैं तो क्या हुआ, कह तो खाना खा रहा हूँ। अगर खाना खाते वक्त भगवान भी बुलाए तो नहीं उठता? अगर भगवान बुलाते तो शायद नहीं जाता, लेकिन बड़े भैया बुला रहे हैं। जी भैया। अर्जुन, ये हमारे स्कूल की नई मास्टरनी है। नमस्ते।
नमस्ते। इन्हें ले जाओ और स्कूल के पास वाले मकान की साफ सफाई करवा के इनके रहने का इंतजाम करवा दो। जी भैया। चलिए। मीना, अर्जुन ने खाना खा लिया बेटे? बड़े भैया ने आवाज दी थी तो खाना छोड़ के चले गए। तो फिर तुमने कैसे खाना शुरू कर दिया? मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना शुरू कर दिया। पति के खाए बगैर? तो क्या हुआ, क्या ये जरूरी है कि पति के खाने के बाद ही पत्नी को खाना चाहिए? नहीं, जरूरी तो नहीं, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है कि पति के खाने के बाद ही पत्नी को खाना चाहिए। पति का सम्मान करना हर पत्नी का धर्म है। चल भाई ले जाए इसे। हाँ दीवारी, तू भी आ जा। चल उठा दे इसे, घर पहुंचा देना। और बात सुन, ये गोली अभी सब यहां से आता है, सारी गोली। हाँ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। देखिए, काम औरतों का नहीं मर्दों का है, आप जरा दूर रही वरना आपको लग जाएगा। सब साफ सफाई कर दी है, अब आप आराम से रह सकती हैं। मैं चलता हूँ। सुनिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी मिलने आ जाया कीजिए, आपके साथ वक्त अच्छा गुजरेगा। देखिए, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक कह दीजिएगा, मैं बड़े भैया से कहकर इंतजाम करवा दूंगा। नमस्कार। सच में? बाप के दिन है। हाँ। इस बार तो लड़की अच्छी है ना? माँ के पूत, आसपास के 18 गांव जानते हैं कि काला ठाकुर लड़कियों के मामले में कभी मात नहीं खाया। अरे जिससे नजर फेरी वो नक, और जिस पे नजर डाली वो नगीना। देख वो आ गई। ए, इस पे नजर मत डाल, ये मुझे पसंद है, इसको तो छोड़ दे, मेरे लिए बाप के दिन है। ए, तुमको गाना बजाना आता है? अरे तू क्या इससे ट्रेन में भीख मंगवाएगा क्या? ए, जब दो जवान आदमी बात करे ना, बीच में अपनी बूढ़ी टांग मत घुसे। बोरा काला। ए, माकी। अरे बेटा, अपने बाप के साथ ऐसे सलूक करते हो? ओ, तुम ये कामदेव की औलाद को जानती नहीं, ये तो मेरी वजह से चुप बैठा है, वरना अब तक तेरी भी मुझे आपका डॉटर के साथ सेपरेट मीटिंग करना है। करो करो। चल चल चल। ए, गोरा गोरा गोरा, सुन सुन सुन, अकेले में मेरी बराबरी मत करना, जरा दूर से ही बात कर। हाय दया, समथिंग ने आंख मारी। क्या? क्यों जी, आंख क्यों मारते हो? नहीं नहीं, आंख नहीं मारी, वो क्या है, आंखें बूढ़ी हो गई है ना, पलके अपने आप गिर जाती है। भगवान के लिए अपनी पलके पकड़ के रखिए, मेरे पास एक ही बीवी है। ए, तू मुझे बहुत पसंद है। आई लव यू। यू लव मी? आई लाइक इट। मुझे शर्मा बहुत अच्छा लगता है। नो नॉट नो टचिंग। मैं मेरे बाप की तरह कमीना नहीं हूँ, वो टच करता है, मैरिड नहीं करता है। मैं तो मैरिज करूंगा, बाद में टच करूंगा। हाँ, मैरिड मैरिड टचिंग। ओके, चल बैठिए बचपन से। अच्छा बैठिए। आओ बेटा, मेरी बेटी से बात कर ली? अरे बहुत अच्छी है, बहुत शर्मीली है, अपनी जबान तक नहीं खोली। अगर शादी के बाद भी ऐसे रही तो हमारे खानदान के लिए बहुत अच्छा होगा। तुम फिक्र मत करो बेटा, मेरी बेटी मरते दम तक ऐसी ही रहेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जन्म से गूंगी और बहरी है। गूंगी और बहरी? माने माइक और स्पीकर दोनों बेकार। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नहीं बताया? मेरा बाप कहाँ गया? तो चला गया। चला गया साले बाप। अरे सुनो, कोई रिश्ता पक्का समझो? अरे हाँ। अरे सुनो अर्जुन, आया बड़े भैया, चाय पी लीजिए। जी बड़े भैया। अर्जुन, तुम मास्टरनी से जाकर पूछ लो
उसे स्कूल के लिए किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जी बड़े भैया। मुनीम जी, अर्जुन ये क्या हो गया तुम्हें? क्यों, क्या हुआ? जब भी बड़े भैया तुम्हें आवाज देते हैं तुम नौकरों की तरह दौड़ते हुए चले जाते हो, और जब मैं तुम्हें उनके सामने हाथ बांधे सर झुकाए देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे दिल पे हजारों बिजलियां टूट रही है। मीना, अरे कोई अनपढ़ और गवार लड़की भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति किसी की गुलामी करे, और फिर मैं तो एक पढ़ी लिखी अमीर बाप की बेटी हूँ, भला मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरा पति किसी की गुलामी करे? तुम हम भाइयों के प्यार को गुलामी कहती हो? देखो मीना, बड़े भैया इस घर की बुनियाद है, उनके सम्मान में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा भरतपुर हाथ बांधे खड़ा रहता है, और मेरी पत्नी होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज ही नहीं बल्कि तुम्हारा धर्म है कि भैया और भाभी की इज्जत करो, उनका सम्मान करो, उनका हुक्म मानो, समझी? वाह वाह वाह, क्या स्टाइल है सिगरेट पीने का। और मेरा स्टाइल देख के तुमको ये नहीं लगता कि मैं किसी राजा महाराजाओं के वंश से ताल्लुक रखता हूँ? क्या ख्याल है तुम्हारा? आपको ना कहने की मुझ में हिम्मत नहीं। अरे तुझमें क्या, इस गांव के बड़े बड़े आदमियों में हिम्मत नहीं है कि गोरा ठाकुर के सामने झुक के सलाम किए बिना चले जाए? चला झुक के सलाम कर। नमस्ते मालिक। राम जी की ठाकुर। कैसे हो गोरा ठाकुर? राज कर रहा हूँ, आपके राज में सब ठीक ठाक है। मालिक वो चले गए मालूम मेरे को? मालिक आप कह रहे थे किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो आपको झुक के सलाम किए बिना यहाँ से चला जाए। मगर अर्जुन ठाकुर को देखते ही आप झुक झुक कर सलाम करने लगे। अर्जुन ठाकुर को मैं सलाम करूंगा? अबे गधे, वो तो तुझे चमचागिरी कैसे करना वो सिखा रहा था। अर्जुन ठाकुर, ये अर्जुन मास्तरनी के घर में क्यों जा रहा है? मैं तो इसे चमचागिरी का ट्यूशन देता हूँ, मास्टरनी उसे कौन सा ट्यूशन देती है देखता हूँ। मास्टरनी जी, कहाँ हैं आप? कौन है? मैं अर्जुन, बड़े भैया ने भेजा है। आप बैठिए, मैं आती हूँ। काम शास्त्र की क्लास चल रही है। ये क्या बदतमीजी है? माफ कीजिए, अचानक आपसे टकराकर नीचे गिर पड़ी और मेरे होठ आपके गाल से टकरा गए। देखिए, ये गांव है, ये आपका शहर नहीं, यहाँ जरा संभल के रहिएगा वरना आपको गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। ठाकुर साहब, इतना जल्दी हो गया? बहुत जल्दी हो गया। नहीं नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं किसी को कहूंगा नहीं कि आप मास्टरनी के साथ अंदर थे, मैंने को देखा ही नहीं कि अंदर क्या क्या हुआ है, मेरे को पता ही नहीं है। ये ज्यादा गीला हो गया, गंदा दिखता है, साफ कर दो इसे। हाँ भगवान, ये अजीब बीमारी है, जब तक ये बात मैं किसी को बोलूंगा नहीं ये पेट पिचकने वाला नहीं है। अरे सुनो गांव वालों सुनो, अरे अर्जुन कर मास्टरनी का टक्का टक चल रहा है। अरे सुनो, अरे कोई इंसान है ही नहीं, सब साले जानवर ही जानवर है। अरे सुन, ये उल्लू का पट्टा दिख रहा है लेकिन वो अपने गांव का तो नहीं लगता, पहाड़ में जाए किसी भी गांव का हो मुझे तो पेट पिचकाना है। अरे नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते क्या, चल लेना, फिर साथ चल। सुन मेरी बात, सुन हमारे गांव का वो दादा ठाकुर है ना, उसका भाई अर्जुन है ना। हाँ, उसका गांव की मास्टरनी के साथ में टका टक चल रहा है। जी मैं ऐसा काम नहीं करता। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं करता हूँ, मैं तो अर्जुन ठाकुर की बात करता हूँ। अर्जुन ठाकुर का मास्टरनी के साथ में टका टक चल रहा है। मुझे का भड़वा समझ रखा है या शादी करवाने वाला दलाल? चल फट। ए भाई रुकना, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ यार, क्यों सरकारी सांड की तरह भड़क रहे हो? मैं तो अर्जुन ठाकुर की बात कर रहा हूँ, उसका मास्टरनी के साथ में टका टक चल रहा है। मेरी तो शादी भी हो गई है।
और बच्चा भी होने वाला है। लगता है ये कुछ ऊंचा सुनता है, इसको चिल्ला के बोलना पड़ेगा। हमारे गांव का अर्जुन ठाकुर है ना, उसका मास्टरनी के साथ में टकाटक टकाटक हो रहा है। 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे पेट में, कुत्ते का काटा पागल भी हो सकता है। मैंने अच्छे अच्छे बहरे देखे हैं, लेकिन ये तो साला पिछले 3 जन्मों से बहरा लगता है। इधर आ। हाँ? अच्छा अच्छा, क्या तुम्हें एड्स हो गया है? अरे बाप रे, तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा तो मुझे भी एड्स हो जाएगा, भागो। खुद बहरा है और मुझे एड्स दे गया? अरे मुझे एड्स नहीं है कमीने, मुझे पेट की बीमारी है। ये मैं किसको जाके बताऊं? दादा ठाकुर, उसको ही बता देता हूँ सीधे जाके। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, प्रणाम। जीते रहो गोरा ठाकुर, आज यहाँ रास्ता कैसे भूल गए? गजब हो गया ठाकुर साहब, गजब हो गया है। क्या हुआ? वो गांव में जो नई मास्टर नहीं आई है ना, उसको अर्जुन ठाकुर ने क्या किया? अर्जुन ने रखेल बना दिया है। आप यहीं पर है? मैं तो त्रिलोक की यात्रा करके आ गया और वहां मुझे पता चला कि आपका भाई तो हीरा है, हीरा। उसके जैसा नेक इंसान तो धरती पे पैदा नहीं हुआ है, और उसने मास्टरनी जी को रखा, आंख उठा के देखा तक नहीं उसको। आहा, आपका भाई तो महापुरुष है ठाकुर साहब, आप युग पुरुष है, मैं नीच पुरुष हूँ और मेरा बाप महानीच पुरुष। मुनीम जी, इसे कहो यहाँ से चला जाए। जाओ जाओ। क्या बोला है? इस थप्पड़ का धमाका अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है, सुनाई नहीं देता। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी मुझे सुनाई नहीं देता। आया जगन, ऐसा मत कर बेटा, जगो, ऐसा मत कर, जगो। नहीं जगो, इस तरह हर साल अपने आप को चला कर क्यों मेरी कोख को जख्मी कर रहा है? ऐसा मत कर बेटा, मत कर ऐसा, भगवान के लिए ऐसा मत कर। नहीं जगो, जगो। रो मत माई, रो मत। ये लोहा मेरे बदन को नहीं जलाता, मेरे अंदर भरी हुई बदले की आग को भड़काता है। कच में का ठाकुर होकर अछूतों और नीच की जिंदगी गुजार रहा हूं मैं, ना किसी से मिल सकता हूं ना कहीं जा सकता हूं। उस जलन के सामने ये जलन कुछ भी नहीं है। बेटे, अब कुछ ही दिन तो बाकी रह गए हमारी सजा खत्म होने में। मैं अपनी सजा के दिन नहीं गिन रहा हूँ, मैं दादा ठाकुर की जिंदगी के बाकी के दिन गिन रहा हूँ। उसके बाप ने 18 साल के लिए हमारा हुक्का पानी बंद करवाया था, मैं उसको मिटाने के लिए 18 बार जन्म लूंगा। चल जाया था साली बुढ़िया। मनिया जी ठाकुर साहब, कल होली के त्योहार में लठबाजी है, किसी दूसरे गांव से लठबाजों को बुलाओ और दादा ठाकुर के दोनों भाइयों को खत्म कर दो, ताकि उस हरामजादे के दोनों हाथ कट जाएं। आज का ये मेरा लोहे का दागना आखिरी दागना है। आदमी मार खा रहे हैं और तुम ताली बजा रही हो? मुझे तो पता ही नहीं था। हार जीत का मुकाबला है, जो बचेगा वो जीतेगा।
ज्यादा ठाकुर। और कितने नामर्दों को अखाड़े में उतारोगे? तुम्हारे गांव में कोई मर्द नहीं है क्या? अर्जुन, शाबाश भैया, शाबाश। रोको इन्हें, अर्जुन ठाकुर धर्मराज का भाई है, ये 40 को भी भारी पड़ेगा। चेहरे पर ये रंग देखेंगे तो मुझे मार डालेंगे। होली के रंग का ना दोस्त बुरा मानता है ना दुश्मन। जाकर अपने पिताजी से कहना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। नहीं नकुल, हमारा प्यार नदी के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। कौन कहता है कि नदी के किनारे नहीं मिल सकते? जरूरत है तो सिर्फ एक पुल बांधने की। हम दोनों परिवारों के बीच अपने प्यार का पुल जरूर बांधेंगे। पुल तब बनते हैं नकुल जब किनारे एक जैसे हों। तुम्हारे भैया के उसूल और मेरे पिताजी पत्थर के बने हैं। कुछ भी हो, जीत सिर्फ प्यार की ही होगी। आओ बहू, ये पालना और चूड़ियां है ना, इसे डाल पर बांध दो। ये लो। क्यों? जब कोई कुंवारी लड़की मन्नत मांगकर इस पेड़ के डाले पर धागा बांधती है तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है, और जब कोई सुहागन ये पालना और चूड़ियां इस डाली पर बांधती है ना, तो एक साल के अंदर अंदर उसके आंगन में एक हंसता खेलता बच्चा होता है। मैं इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करती, और वैसे भी मुझे बच्चे की कोई जल्दी नहीं है। आपको इतने बरसों से कोई औलाद नहीं हुई है, चाहे तो आप ही बांध दीजिए। इसे क्षमा कर देना देवी माँ, अभी ये बच्चे है ना, इसलिए कुछ नहीं समझती। इसकी जगह हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी देवरानी की गोद में एक चांद सा बेटा दे देना। जय माता।
प्रभु, 21 जन्म के पापों की सजा मिल रही है मुझे। पिछले 17 साल से तेरे दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। एक साल और तेरी सीढ़ियों तक आकर वापस लौट जाऊंगी। बस प्रभु, मेरे बेटे के गुनाहों को माफ कर दो, उसे सही रास्ता दिखाओ। लक्ष्मी, गिर गई है, पानी के लिए तड़प रही है। पानी, पानी। बहुरानी, मत जाइए। क्यों? इनकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि बिरादरी से इनके परिवार का बहिष्कार किया गया है। What nonsense! एक औरत प्यास से तड़प कर मर रही है और लोग अपना नियम निभाते रहेंगे, क्या बेहुदा नियम है ये? मीना मुनीम जी सही कह रहे, ये स्वर्गीय पिताजी का किया हुआ फैसला इसे कोई तोड़ नहीं सकता। मैं 2 दिन के लिए रामपुर जाना चाहता हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है मुनीम जी? सुनो, एक ग्लास पानी देना। क्या? एक ग्लास पानी ले आओ। ना तो मैं आपकी नौकरानी हूँ और ना ही आपका छोटा भाई, जो आपका हुक्म सुनते ही दौड़कर आपके लिए ग्लास पानी ले आऊं।
मेरे बाप के घर में मेरे एक इशारे पर दसों नौकर हाथ बांधे खड़े रहते थे। ये मत भूलिए कि मैं एक अमीर बाप की एक लौती बेटी हूँ। आप तो उम्र में बड़े हैं ना, किससे किस तरह की बात की जाती है इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंड इट। मालिक, छोटी बहू की बात का बुरा मत मानना, नादान है, बच्ची है। गलती हमारी है मुनीम जी, हमने ऐसी लड़की को काम करने को कहा जिसे काम करने की आदत ही नहीं है। बड़े भैया, पानी। नकुल वो ट्रैक्टर रिपेयर करवा लिया ना? जी करवा दिया। नमस्ते मास्टरनी जी। अरे अरे, आप नीचे क्यों बैठ गए, ऊपर बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, आप पैर ऊपर रखिए ना। नहीं नहीं, आप ऊपर बैठिए। नहीं, आप पैर रखिए ना। नहीं, आप ऊपर बैठिए ना। अरे आप पैर रखिए ना, प्लीज आइए ऊपर बैठिए। ओके, आप जहाँ बोलोगी वही मैं बैठूंगा। अपनी इस पहली मुलाकात की मिठास काफी दिनों तक मीठी रहे, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। थैंक यू। किसी ने सच ही कहा है कि जवानी में जवान लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए। देखो ना, हम दोनों कितने जवान लग रहे हैं, तरोताजा लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं, बिल्कुल एक दूजे के लिए। नहीं, आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप हंस क्यों रही हैं? आपकी बातें सुनकर। अच्छा अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि आप अभी तक जवान हैं। यस। और मैंने सुना है कि आपका एक बेटा है 30 साल का। मेरा बेटा? हाँ। उस हरामी को तुम मेरा बेटा समझती हो? वो तो मुझे कुंभ के मेले में मिला था, कुत्ता समझकर पाल लिया। मास्टरनी जी, मैं अभी तक शुद्ध कुंवारा हूँ। अभी पोल्यूशन की वजह से नमक थोड़ा कम हो गया है, बूढ़ा दिखता हूँ, लेकिन जवानी अंदर से झूले पे झूल रही है, बिल्कुल झूल रही है। अच्छा है? कौन से कोने में जवानी झूल रही है बाप के दिने, जरा बता मुझे है? इसको फंसाने के लिए मैं तुझे कुंभ के मेले में मिला और मुझे कुत्ता समझ के पाला, कुत्ते के बाप। अरे अरे, अपने बाप से इस तरह बात कर रहे हो? अबे तू जानती नहीं है इस कमीने को, ये कमीना अपनी जवानी की रंगीन कहानियाँ सुना सुना कर कितनी औरतों का एक रात का पति बन चुका है, और इधर भी तेरे यहाँ एडमिशन लेने इसी लालच में आया है, संभालना। शर्म करो, ये तुम्हारे बुजुर्ग हैं। क्या हुआ? पित्त के कारण मेरे बाल थोड़े सफेद हो गए, तो मास्टरनी मुझे बुजुर्ग कह रही है। मास्टरनी, न देख उम्र मेरी, लाजवाब कर दूंगा, तुझे कली से महकता गुलाब कर दूंगा। हड़। तुम तो दरिया हो, समंदर हो, तुम्हारे अंदर पहले से ही INS अर्जुन नाम का जहाज डूब चुका है, फिर ये मेरे बाप जैसी छोटी मोटी कश्तियां डूबोने से क्या मिलेगा। छोड़ दो बेचारे को, माफ करो, आगे बढ़ो, जाओ। अजीब बाप बेटे हैं। मैं फेंक देता हूँ बड़े भैया, आप जाइए। मुनीम जी, जो राम प्रसाद की बेटी की शादी के लिए जेवर देने के लिए कहा था, भिजवा दिया। जी हाँ मालिक। शहर में रहकर यही बदतमीजी और ओछी हरकतें सीखी आपने? अपने से बड़ों का लिहाज करना नहीं आता आपको? किससे कह रहे हो तुम? आपसे कह रहा हूँ, औरत पैदा हुई है तो औरत की तरह रहना सीखिए। तुम अंदर जाओ। पागल हो गई हो तुम? औरत होकर एक मर्द पर हाथ उठाते हो? इतनी ऊंची घराने की बहू होकर ऐसी नीच हरकत, शर्म नहीं आई तुम्हें? कौन सा ऊंचा घराना ये, यहाँ सिर्फ एक आदमी राजा है और बाकी सब उसके गुलाम। मीना, चिल्लाइए मत, आप मेरी सास नहीं है। जिस तरह आप इस घर की बहू है वैसे मैं भी हूँ,
बहू हो तो बहू की मर्यादा में रहो। मर्यादा की रस्सी में तो आप जैसी जाहिल और गवार औरतें बनती हैं, मुझ जैसी पढ़ी लिखी मॉडर्न जमाने की लड़की नहीं। अनएजुकेटेड इडियट्स। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट एन इलिटरेट, आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आई एम अवेयर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ वुमेन, बट आई हैव नॉट फॉरगॉटन माई कल्चर, माई कस्टम्स, माई ट्रेडिशंस एंड माई वैल्यूज, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई नेवर एवर फॉरगेट दैट आई एम एन इंडियन वुमेन। मॉडर्न जमाने की औरत भी औरत ही होती है, उसे भी मर्द ही ब्याह कर ले जाता है, मर्द को भी आकर वो नहीं ले जाती। जमाने ख्याल और लिबास बदल देते हैं, औरत के शरीर की बनावट नहीं। लोग तुम्हारे ख्याल की लड़कियों को लज्जत का सामान भले ही समझते हो, इज्जत के काबिल कोई नहीं समझता। इज्जत आज भी उन्हीं औरतों की होती है जिनकी आंखों में हया हो, लाज हो, शर्म हो। हम नहीं कहते कि तुम बंदिशों में रहो, लेकिन अपने दायरे की सीमा को मत भूलो। लड़की जब अपने माँ बाप के घर होती है तब उसके कंधों पर अपने ही घर की इज्जत का बोझ होता है, लेकिन जब वो बहू बनकर ससुराल जाती है तब उसके कंधों पर एक नहीं दो परिवारों की इज्जत का बोझ होता है। आज जिस तरह तुमने नकुल को तमाचा मारा है, अगर उसी तरह उसका भी हाथ उठ जाता तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती? कभी सोचा तुमने? क्या बात है मीना? क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, मीना कह रही थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता। हमने सोचा कि दो चार खरी खोटी सुनाने से ही सीखेगी, सो सुना दिया, बस रोने लगी। क्यों अर्जुन, हमें तुम्हारी बीवी को डांटने का भी हक नहीं? क्यों नहीं, आप हमारी भाभी माँ हैं, आप मार सकती हैं, डांट सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। मैंने भूल की जो मैं लोगों के बीच आ गई, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। जब देखो तो सब मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। मैं कब से रो रही हूँ तुम पूछ भी नहीं रहे हो कि मैं क्यों रो रही हूँ। बेकार रो रही है तो कौन पूछेगा? अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए और इस घर के लिए बेकार हो गई हूँ? अरे बेकार तो तुम हो गए अपने परिवार के बीच में रहकर। मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम हो के सुन ही नहीं रहे हो। इंसान की चीख सुनकर लोग शुभ अशुभ का विचार करते हैं, लेकिन जब मेंढकी को जुकाम होता है उसकी चीख की कोई परवाह नहीं करता। ये मत भूलो कि जब मेंढकी चिल्लाती है तो आंधी और तूफान आते हैं। आंधी और तूफान आएंगे तो उसका नतीजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ तभी रहूंगी जब तुम मेरे साथ मेरे डैडी के घर रहोगे। हमारी मीना बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन उसमें अभी भी बचपना है। हमारे तौर तरीकों को नहीं जानती है ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उसे सब सिखा देंगे। बड़े भैया, ये अपने घर जाना चाहती है। जाना भी चाहिए, चार पांच महीने हो गए, मायके की याद भी आती होगी इसे। और अर्जुन, तुम्हारे ससुर जी तुम्हें कई बार बुला चुके हैं, तुम भी कुछ दिनों के लिए हो आओ, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। अगर ये वापस लौटने के लिए जा रही होती तो मैं जरूर जाता, मगर ये तो हमेशा के लिए इस घर से जा रही है। कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम दोनों के ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते तो इस मामले को घर की चार दीवारी में बैठकर आपस में सुलझा लेना चाहिए। बहू शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे गांव की रीति रिवाज के बारे में क्या मालूम? ये तो तुम्हारा फर्ज बनता अर्जुन कि तुम उसे हमारे तौर तरीके सिखाओ। सिखाने से कोई फायदा नहीं बड़े भैया, ये खुद को इस माहौल में डालना ही नहीं चाहती, इसलिए भेज रहा हूं। अच्छा तो तुमने फैसला भी कर डाला? बड़े भैया बात यह है कि मैंने मीना को, तुम बहुत समझदार भी हो गए हो ना, तो फिर तुम्हें इतना तो समझ लेना चाहिए, अगर बहू अपने आप को बदल नहीं पा रही है तो तुम बहू के मुताबिक बदल जाओ। आखिर वो तुम्हारी पत्नी है, उसका साथ देना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे भरोसे ही तो उसने अपनी सारी जिंदगी सौंप दी तुम्हें। अर्जुन मेरे दर्द पर तुम तड़प उठोगे, तुम्हें तकलीफ होगी तो मैं रो दूंगा, क्योंकि हम दोनों एक ही मां की संतान है, खून का रिश्ता है हमारा, मगर पत्नी का नाता उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि वो पराए घर से आकर अपनों से कहीं ज्यादा अपनी हो जाती है।
परछाई बन जाती है हमारी। पति शरीर है तो पत्नी उसकी आत्मा है। पत्नी ही पति के जीवन को सही अर्थ देती है, उसे कामयाब बनाती। पत्नी के बगैर पति बेजान और बेमाने हो जाते। अगर आज तुम अपनी पत्नी को हमेशा के लिए उसके मायके छोड़ाओगे तो यह गांव, यह समाज क्या कहेगा हमारे बारे में? जरा सोचो अर्जुन, न्याय के सिंहासन पर बैठकर जो लोगों के अच्छे बुरे का फैसला करता है, अगर उसी के घर में नाइंसाफी होगी तो लोग हंसेंगे हम पर, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। बड़े भैया, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुनीम जी। जी मालिक। जायदाद के दस्तावेज लाइए। जी अभी लाया। बहू, पति ही पत्नी की असली शक्ति होती है। हमारे पुरखों ने कुल धर्म पत्नी के बारे में कहा है, जो पति के काम में उसकी मददगार हो, उसे अच्छी सलाह दे, जो दासी की तरह उसकी सेवा करे, मां की तरह उसे खिलाए पिलाए, लक्ष्मी का रूप और धरती की तरह उसमें सहन शक्ति हो, वही आदर्श पत्नी होती है। औरत की सोच मर्द का मुकद्दर बनाती है। वो जब बनाने पर आती है तो कुटिया को महल कर देती है, और जब बिगाड़ने पर उतरती है तो महल को मिट्टी का ढेर बना देती है। मालिक, ये जायदाद के दस्तावेज है। हमारी जमीन जायदाद कहां कहां है और कितनी है, उसका हिसाब किताब ना बाबूजी को मालूम था, ना हम तीनों भाइयों को मालूम है। बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, आज से इसका हिसाब किताब तुम देखोगी। लक्ष्मी जी, अपनी चाबियों का गुच्छा और यह कागजात बहू को दे दो। आज से तुम इस घर की मालकिन हो। तुम जहां कहोगी, किस कागज पर कहोगी, हम तीनों भाई चुपचाप आंख बंद करके दस्तखत कर देंगे। जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। बस एक ही विनती है बहू, हम तीनों भाइयों को अलग करने का ख्याल अपने मन में कभी आने मत देना। किया तुमने बहू, बहुत अच्छा किया। इनकी आंखों में आंसू देखने की हमने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन तुमने हमें दिखा दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। मनी जी, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। घबराने की कोई बात नहीं, ये मां बनने वाली है। आप लोग यहीं ठहरिए, मैं ठाकुर साहब से मिलकर आता हूं। डैडी, डैडी, कैसी हो बेटी? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आने की खबर भी नहीं की। ठाकुर साहब, पाए लागू। समधी जी, आप अचानक यहां कैसे? तशरीफ रखिए, बैठिए ना। आपके बराबर बैठने की मैंने कभी गुस्ताखी नहीं की, तो आज कैसे करूंगा? बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। कहिए, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? आपकी कृपा और आशीर्वाद से ठीक ही चल रहा है। दिल्ली में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के साथ कब की अपॉइंटमेंट ली है? कल सुबह 11 बजे सर। इनकम टैक्स केस का वकील ने कहा है कि 15 तारीख की हियरिंग में मामला क्लियर हो जाएगा। आज एक्सपोर्ट का माल जापान के लिए जहाज से रवाना हो जाएगा ना? जी हाँ सर,
नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे दीनानाथ जी, आप लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं आपकी संस्था के लिए गवर्नर साहब से बात कर चुका हूँ, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत। अरे गोपीनाथ जी, होम मिनिस्टर ने वादा किया कि आपके भाई का ट्रांसफर जल्दी ही हो जाएगा। थैंक यू सर। डैडी, गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग माय चाइल्ड। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटी, एक जरूरी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके बाय। पास में फैक्ट्री के लिए जमीन देखने आया था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। अब इजाजत दीजिए। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं आप, भोजन तो करते जाइए। माफ कीजिए, आप तो जानते ही हैं, बाप बेटी के घर का खाना तो क्या पानी भी नहीं पी सकता। शहर में रहकर भी अभी भी आप इन बातों को मानते हैं? शहर में रहूं या गांव में, मैं अपनी परंपरा और संस्कार कैसे भूल सकता हूं? आखिर मैंने इसी मिट्टी में जन्म लिया है। अच्छा चलता हूं। अजी कम से कम बेटी से मिलकर उसकी कुशलता तो पूछ लीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इतना ऊंचा नहीं हूं कि अपनी बेटी की कुशलता पूछकर आपका अपमान करूं। ठाकुर साहब, ये तो मेरी बेटी का सौभाग्य है कि वो इस मंदिर जैसे पवित्र घर में बहू बनकर आई, और फिर आपकी छत्र छाया में तो वो कुशल हो गई। राम राम। राम राम। बेटे, जिस तरह तुम महके में चहकाती रही हो ना, वैसे ही अपनी ससुराल को भी महकाती रहना। बड़े हैं ना, किससे किस तरह की बात की जाती है, इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंडेड 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 माइंडेड। बड़े भैया, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए। क्या कर रही हो? अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैंने आप जैसे देवता का अपमान किया है, आपका दिल दुखा है, मुझे माफ कर दीजिए। बड़े भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दीजिए। बड़े भैया, बड़े भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझ पर तरस खाकर मुझे माफ कर दीजिए। चलो उठो, तुम ऐसे नहीं बैठना चाहिए, इससे बच्चे पर असर पड़ेगा। बेटे, मैं आपकी भी दोषी हूँ दीदी। आपने जेठानी की जगह माँ बनकर मेरी गलतियों को बर्दाश्त किया, और मैं अब भागन आपकी बेटी न बन सकी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। अब चुप भी हो जा। तो हमने कब तुम्हारी बात का बुरा माना? हाँ पतली, रोती नहीं, रोती नहीं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। प्रभु, मैंने देवता जैसे परिवार के साथ हमेशा इंसानों जैसे झगड़े किए हैं, नफरत पैदा की है। मुझे सुनती दो, ताकि मैं सबके दिलों में अपने लिए प्यार पैदा कर सकूं, अपने घर की मान मर्यादा और खुशहाली को सदा के लिए एक अटूट धागे में बांध दूं। आरती लीजिए। नमस्ते 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 मालकिन। नमस्ते मालिक, शंकर जी का प्रसाद लीजिए। मालकिन, भोलेनाथ का प्रसाद लीजिए। ये भी लीजिए मालिक। शुक्रिया चाचा। मालिक मालिक, ठंडाई पी के जाइए। ठंडाई? मालकिन, इसमें भांग वांग तो नहीं है ना? नहीं नहीं मालिक, इसमें कुछ नहीं। पक्का? पक्का ले लीजिए। नहीं नहीं, अरे पियो 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 मालकिन, पियो पियो पियो, कुछ नहीं है इसमें। क्योंकि पेड़ वाले खेत को अच्छी तरह नरम करना, कल से बीज बोना है। जी मालिक। अर्जुन भैया, अर्जुन भैया। क्या हुआ? वासनी वहाँ बेहोश पड़ी है। बेहोश पड़ी? हाँ। ए, इधर इधर। तूने अर्जुन ठाकुर को क्या बोला? वासनी ने बुलाया। अच्छा, कितना पैसा दिया तेरे को? 10 रुपए दिए हैं, मैं पिक्चर देखूंगा। अच्छा, जा, 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 मेरे को मसाला मिल गया। अरे गांव के लोग सुनो, अरे बाप रे, मैंने कुछ सुना ही नहीं है, मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैंने कुछ देखा ही नहीं है। मैं गांधी जी का 3 मंदिर हूँ, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, जानता ही नहीं हूँ, जानता ही नहीं। वासन,
शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मास्टर नहीं होकर चरित्र इतना घिरा हुआ? छी! मैं आज ही भैया से कहकर तुम्हें गांव से बाहर करवा देता हूं। अपना सामान बांध कर तैयार रहना। अरे मैं बर्बाद हो गई। दादा ठाकुर के भाई अर्जुन ने मेरी इज्जत लूट ली, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे कोई है जो मेरी फरियाद सुन सके, मुझे इंसाफ दिला सके? आप लोग खामोश क्यों हैं? क्या मेरी बात का यकीन नहीं है, या फिर दादा ठाकुर के डर से गुंगे बहरे हो गए हो? देखो बहन, ये देखो मेरी हालत, देखो देखो भाई साहब, ये देखो मेरी हालत क्या हो गई है। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इंसाफ दिलाइए। नाटक करती है। ए कलमुही, तू जिस पर कीचड़ उछाल रही है उस खानदान के लोगों का पूरा भरतपुर देवता की तरह पूछता है। अरे मास्टर नहीं आप? क्या हुआ? अर्जुन ठाकुर साहब ने मेरी इज्जत लूट ली ना, मुझे मालूम था। वो तो कई दिनों से तुम्हारी इज्जत के पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ था, आज हाथ साफ कर लिया। तुमने ना कहा होगा, उसने हाँ कहा होगा। तुम भागी होगी, वो दौड़ा होगा। तुमने मना किया होगा, उसने सुला दिया होगा। अबे ओ गोरे, ये गाले, अबे तुम्हें क्या करता है? तमीज से बात कर, हम भी ठाकुर खानदान के हैं। दादा ठाकुर जमींदारी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका भाई किसी के भी इज्जत पे हाथ डाले। चुप साले, इस घटिया औरत की वकालत कर रहे हो क्या? अर्जुन ठाकुर को नहीं जानते? ए, अब अगर एक शब्द भी उनके खिलाफ बोला तो अभी तुझे तोड़ फोड़ डालेंगे। फाड़ने फोड़ने की बात क्यों करता है, मैं खुद ही फूट जाता हूँ। यू गो टू नरक, मैं चला खुली सड़क। आज ये अर्जुन ठाकुर को बदनाम कर रही है, कल दादा ठाकुर के नाम पर कीचड़ उछालेगी। इस साली सूट में खा के नाक कान काट देते हैं। जाओ। सब लोग ध्यान से सुनो, इस बात को यही दबा दो, किसी भी हालत में यह बात दादा ठाकुर तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना उन्हें बहुत दुख होगा। मेरी मौत का कारण दादा ठाकुर का भाई अर्जुन है। ये कैसे हो गया? हमने सोचा भी नहीं था कि आत्महत्या कर लेगा। लिया दादा ठाकुर, उस दिन जब मैंने आपको सच्चाई बताई तो आपने थप्पड़ मार के मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए थे, और कल ये जब बेचारी न्याय के लिए दुहाई दे रही थी, इन लोगों से इंसाफ पाने के लिए मिन्नतें कर रही थी, तब इन्हीं लोगों ने उसे उल्टा वेश्या और गंदी गंदी गालियां देकर यहाँ से भगा दिया था। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? हम समझ रहे थे ये अर्जुन ठाकुर पर झूठा इल्जाम लगा रही है, इसलिए आपकी इज्जत की खातिर इसे भगा दिया। मेरी इज्जत करने वाले ऐसा काम नहीं करते। माफ कीजिए, गलती हो गई हमसे, मगर अब इंसाफ से गलती नहीं होगी। मुनीम जी, पंचायत बुलाइए, इंसाफ आज और अभी होगा। सुनिए, हम जानते हैं आप कभी कोई गलत फैसला नहीं सुनाएंगे, लेकिन हमारा अर्जुन भी गलत नहीं है। हमने पाला है उसे, हमारा बेटा है वो कभी गलत नहीं करेगा। वो मेरा भाई भी तो है। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, हमारे बेटे को आप, हम जानते हैं कि आप गलत फैसला नहीं सुनाएंगे, लेकिन वो भी तो गलत नहीं है। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे। बड़े भैया, आपके सामने कुछ कहने की ना तो मेरी उम्र है और ना ही मुझ में हिम्मत, मुझसे ज्यादा तो आप मेरे पति को जानते हैं, इससे आगे मैं क्या कहूं? बड़े भैया, न्याय करने वालों के लिए रिश्ते और जज्बात कोई मायने नहीं रखते।
बेटे जान चली जाए पर आन ना जाने पाए, जान देकर जो आन की रक्षा करता है वही न्यायाधीश इंसाफ के आकाश की बुलंदी को छूता है। खामोश! तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं को देखकर गजराज ठाकुर का दिल नहीं पछतेगा। अगर तुमने गलती की है तो सजा जरूर मिलेगी। ठाकुर साहब, इस पर गलत इल्जाम लगा है, आप तो मुझे जानते हैं, जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया मैंने, ये तो मेरा ही भाई है, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं हम। रावण और विभीषण भी तो एक ही माँ के पेट से पैदा हुए थे, ये तुम्हारा भाई है तो ये जरूरी नहीं कि ये गलती नहीं कर सकता। ठाकुर साहब क्षमा कर दीजिए। पहली बार क्षमा करने का मतलब है दूसरी बार गलती करने का मौका देना, यही ना मुनीम जी? हाँ मालिक, 100%। कल पंचायत में फैसला होगा। ठाकुर साहब एक बार और सोचिए। गजराज ठाकुर ने एक बार कहा तो समझ लेना 100 बार कहा। लेकिन मालिक, धर्मराज जी, बाबूजी आज तुम्हारे लिए बहू देखने जाना है, मनोरमा बहन और जीजा जी को आने के लिए बोल दिया ना? हाँ बाबूजी, वो सीधा वहीं पहुँचे। पिताजी, पिताजी, पिताजी साथ चलेंगे। हम भी साथ चलेंगे। अच्छा बेटा, हम सब चलेंगे। लड़की कैसी लगी? इससे क्या पूछते, बहुत ही सुंदर है। जीजा जी, हमें आपकी नहीं अपनी बहन की राय चाहिए। तुम बताओ मनोरमा कैसी लगी? भैया, पहले मैं इसकी परीक्षा लूंगी तब बताऊंगी। सुनो, मैं जब तुम्हें देखने आया था तो मैंने कौन सी परीक्षा ली थी तुम्हारी? किस मुंह से परीक्षा लेते हैं, हमारे पिताजी ने तो तुम्हारा नाम सुनते ही शादी से मना कर दिया था। वो तो तुमने हाथ पांव जोड़कर हमें मनाया था, तब शादी हुई थी। बड़े आए इम्तिहान लेने वाले। मालूम है, पसंद तुम्हें करनी है, तगड़ा इम्तिहान लेना। सुनो भैया, कान ठीक है, बहरी नहीं है। लक्ष्मी, खड़ी हो जाओ तो जरा इधर उधर चल के दिखाना। बस बस बस, अब बैठ जाओ। भैया हाथ पांव भी ठीक है, लंगड़ी लुली नहीं है। धर्मराज जी, बाबूजी तुम्हें कैसे लगी? बाबूजी, आप और बुआ जी जो पसंद करेंगे वही ठीक होगा। शाबाश। आप बताइए जीजा जी, आपकी क्या टिप्पणी है? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब? अब भगवान की बनाई हुई इस खूबसूरत कला पर भला मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? साक्षात देवी है, मैं तो कहता हूँ फौरन रिश्ता पक्का कर ही दीजिए। रुको रुको, क्या हुआ? एक टेस्ट और बाकी है। बेटी, तुम्हें गाना वाना आता है? मनोरमा, ये सब जरूरी है क्या? आप चुप रहो भैया, मालूम तो करने दो, कहीं लड़की गूंगी निकली तो। कुछ गाकर सुनाओ। शर्मा रही है भैया। अच्छा चलो, पहले मैं गाती हूँ, तुम बाद में सुनाना, ठीक है? वाह, क्या बात है। शाबाश। ये क्या कर रहे हैं? अरे छोड़ देता अगर तो जवान नहीं होती। चल अपना रेडियो बंद कर, बंद कर। चुपचाप खामोश। सुनो सुनो सुनो,
जगन्नाथ ठाकुर ने गरीब मजदूर औरत का बलात्कार किया है। कल पंचायत में ठाकुर साहब अपना फैसला सुनाएंगे। वो काम जल्दी करवाइए। जा। क्या बात है मुनीम जी? नमस्कार ठाकुर साहब। राम राम। मालिक, ये आपसे मिलने आए हैं। मालिक, हमारे हरिजन पाड़ा में आग लग गई, हमारा सब कुछ जलकर राख हो गया। ये तो बड़ी दुखी बात है मुनीम जी। इन्हें जितना अनाज, कपड़ा और घर बनाने का सामान चाहिए दे दीजिए। जी मालिक, धन्यवाद मालिक। राम राम। राम मालिक, हमारे रामपुर गांव में हमने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला है, आपकी मदद चाहिए। बहुत अच्छा काम किया मुनीम जी। जी। स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर का खाना, दूध, किताब, सब चीजों का इंतजाम कर दीजिए। जी धन्यवाद मालिक। आइए। अरे मुनो आ रहे? धनराज जी। बाबूजी, तुम्हारी बुआ आ रही है, उनके बेटे का इंतजाम कराओ। जी बाबूजी। ठीक है ठीक है, जाओ। आओ बहन, आओ आओ। पायलागू भैया। जीते रहो। नमस्ते बुआ जी। बेटा खुश रहो। क्या बात है, इतनी धूप है यहाँ? भैया भैया, वो कल पंचायत है। मालूम है। मुजरिम मेरा बेटा जगन्नाथ है। वो भी मालूम है। फैसला आप ही सुनाने वाले हैं। आप मेरे सगे भाई ना होते हुए भी मेरी परवरिश एक सगी बहन की तरह की, मेरी डोली को कांधा दिया और एक मां बनकर मेरी गोद भराई की रस्म पूरी करके आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी। आज उन सारी खुशियों का दारोमदार आपके फैसले पर है भैया। जगन्नाथ अभी नादान है भैया, अच्छे बुरे की उसे समझ नहीं है। उसकी नादानी, नासमझी और बचपने को देखते हुए उसकी इस भूल को आप क्षमादान कर सके तो मैं। धनराज जी। बाबूजी, घर की तिजोरी में तुम्हारी माँ का जितना भी सोना पड़ा है उसे हमारी बहन को दे दो। देखो बहन, रामपुर में जो हमारा 50 एकड़ आम का बगीचा है हम उसे तुम्हारे नाम लिख देते हैं, और गंगानगर में जो हमारी 200 एकड़ उपजाऊ जमीन है उसे भी तुम्हें दे देते हैं। यही नहीं, अगर तुम हमारी जान भी मांगोगी तो हम उसे भी तुम्हारी सदके में छोड़ देंगे। लेकिन जिन्हें सदियों से हमारा खानदान अपना खून पिलाता आया है उस नीति, नियम और इंसाफ परिस्थिति को अब नहीं छोड़ सकते। मगर भैया, अगर आप चाहें तो। मैं जानती थी भैया कि आप अपने उसूलों और खानदान की आन से नहीं हटेंगे। मैं तो सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने आई थी कि अगर मैं आकर आपसे विनती करती तो शायद आप अपना फैसला बदल देते। अपनी औलाद के मामले में माँ बहुत स्वार्थी होती है। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ करना भैया। हुआ बेटा, मुझे कोई दुख नहीं है बल्कि फक्र है कि मैं इतने महान इंसाफ पसंद भाई की बहन हूं। खुश रहे। अरे रामू, जल्दी से बग्घी तैयार कर, ठाकुर साहब पंचायत के लिए निकल रहे हैं। अब ये बाबूजी की तरफ से, और ये अले ले, तू कहाँ भाग रहा है, और ये मेरी तरफ से। आ खुश रहो। अर्जुन और नकुल के लिए तुम्हारा प्यार देखकर हमारा दिल बाग बाग हो गया। अपनी भाभी से कोई देवर इतना प्यार कहाँ पाता है। बाबूजी, देवर भी तो भाभी के बच्चे ही होते हैं। वाह बहु वाह, कितनी ऊंची बात कही। सदा सुखी रहो। धनराज बेटे, हम बहुत भाग्यवान हैं जो हमें देवी जैसी बहू मिली। बेटे एक बात याद रखना, जब भी तुम घर से बाहर जाओ
बहू के हाथ से दही शक्कर जरूर खा के जाना, शुभ होता है। जी बाबूजी। चलो चले बाबूजी। चलो साले साहब, आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपनी बहन बेटी के दरवाजे के सामने आकर उसका सर झुक ही जाता है। दुआ सलाम ना सही, अंदर आकर जलपान तो करते जाइए। हम इस वक्त बहन के भाई नहीं, पंचायत के सरपंच है। क्या तुम ये भूल गए कि जिस घर का मुकदमा पंचायत में हो, उसका फैसला हो जाने तक हम उस घर का पानी तक नहीं पीते। एक बार फैसला हो जाने दो, उसके बाद साथ बैठकर जी भरकर खाना खाएंगे। फैसला जरा सोच समझ कर करना गजरा साहब। जगन्नाथ सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारी बहन का भी बेटा है। कहीं कुछ गलत हुआ तो नतीजा बहुत बुरा होगा। चलो धर्मराज। बेटी लकड़ियां चुनकर आ रही थी, रंजीत सिंह के बेटे जगन्नाथ ठाकुर ने इसकी इज्जत लूटी। हम गरीब हैं, इज्जत के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। अब कौन इससे शादी करेगा, अब कौन इसका हाथ थामेगा? आप न्यायमूर्ति हैं, आप ही फैसला कीजिए मालिक। इस बात का कोई चश्मदीद गवाह है? मैं हूँ मालिक। तुम्हारा पायल से कोई रिश्ता है? जी हाँ, मैं इसकी काकी हूँ। तो फिर तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी। गवाही सिर्फ उसकी मानी जाएगी जिसने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस लड़की के खानदान से उसका कोई रिश्ता ना हो। है कोई ऐसा साक्षी, ऐसा गवाह? मैंने देखा है। तुमने क्या देखा है बेटे? मैंने देखा कि ये इस दीदी को जबरदस्ती अपने कंधे पे उठाकर पंपशीट में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। ये बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, मगर वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जब ये बाहर आई तो इसके कपड़े फटे हुए थे और ये रो रो के कह रही थी कि मेरा सब कुछ लूट गया, मैं बर्बाद हो गई। जगन्नाथ कमीने कुत्ते, तूने इन गरीबों को क्या समझा है? ये वो गरीब मजदूर हैं जिनके खून पसीने की बरकत से हमारी धरती पर हरियाली जागती है। हमारे सर पर जमींदारी का ताज इन्हीं गरीबों की बदौलत है, जिसके बदले में उन्हें दो वक्त की रोटी दो गज की चादर मिलती है। और तूने उसी चादर में घुसकर इस गरीब की इज्जत लूट ली, फिर तुझ में और जानवर में क्या फर्क रहा? मुनीम जी, देवी माँ के मंदिर से सिंदूर ले आओ। जी मालिक। पायल, तुम इधर आओ।
जिन हाथों से मजबूर करके इस कमीने ने तुम्हारी इज्जत लूटी, आज ये उन्हीं हाथों से तुम्हारी मांग भरेगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा। ये हमारा फैसला है। गजराज, अपना फैसला बदल दे। आंखें मत दिखा। ये रीच, जिसके पांव अगर मेरी हवेली के फर्श पर पड़े तो फर्श गंदा हो जाए। इस दो टके की लड़की को तुम मेरे घर की बहू बना रहे हो। तो नहीं जानता, सभी जहरों में ऐसी बातें होती ही रहती हैं। मजदूर औरतों और बालिकों के बीच में ऐसे खेल तो अक्सर होते रहते हैं। कोई अपनी बीवी नहीं बनाता उन्हें। खामोश। मजदूर औरतों की इज्जत जमींदारों के बाप दादाओं के कोई जागीर नहीं होती, जिसे वो अपनी मनमानी करे, रोंदे, कुचले। इज्जत इज्जत होती है, चाहे वो किसी ठाकुर की बेटी हो या किसी मजदूर की। पागल हो गया तू? तुझे इंसाफ करने की अकल नहीं है। तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा गजराज। इसके आगे एक लफ्ज भी बोला तो जुबान खींच लूंगा। तेरे औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है और तू मुझे ललकारता है। गजराज साखू ने कभी किसी अंजाम की परवाह नहीं की। अगर परवाह की है तो सिर्फ अपनी आल, इंसाफ, अखलाक और ईमान की। इस लड़की के जन्म जात नाम इसकी कोई अहमियत नहीं हमारी नजर में। अहमियत है तो सिर्फ इसकी इज्जत, इसकी पवित्रता की। जगन्नाथ, मांग भर इसकी। गजराज, सदा सकीर हो बेटी। जगन्नाथ, अगर तुमने इसे कोई तकलीफ दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबूजी, भैया, मेरे भाई को मार डाला, मेरे देवदास समान भाई को मार डाला। ये क्या किया तुमने? ये कैसा अनर्थ किया? रुक जाओ, छोड़ दो उसे। जो अपराध उसने किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। आज से 18 साल के लिए हम रंजीत सिंह ठाकुर को समाज और बिरादरी से बाहर करते हैं। आज के बाद अगर कोई भी इसके परिवार के साथ किसी भी तरीके का संबंध रखेगा तो उसको भी यही सजा मिलेगी। यह गजराज ठाकुर का फैसला है। धर्मराज, न्याय करने वालों के लिए रिश्ते और जज्बात कोई मायने नहीं रखते। बेटे, जान चली जाए पर आन ना जाने पाए, जान देकर जो आन की रक्षा करता है वही न्यायाधीश इंसाफ के आकाश की बुलंदी को छूता है। आज से हम भरतपुर कस्बे के न्याय और इंसाफ की बागडोर तुम्हें सौंपते हैं।
याद रखो बेटे, जिस दिन भी तुमने अनजाने में भी गलत फैसला किया तो समझ लो वही दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बाबूजी, बाबूजी, भैया, बाबूजी। मामले में किसी को दादा ठाकुर से कुछ कहना है? किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मास्टर ने की आत्महत्या यह साबित करती है कि उसकी इज्जत लूटी गई और इसका जिम्मेदार है अर्जुन ठाकुर। इसलिए अर्जुन ठाकुर को 12 साल के लिए गांव से बहिष्कार किया जाता है। आज से कोई इससे बात नहीं करेगा, कोई इसकी मदद करेगा नहीं, और जो भी इस हुक्म को तोड़ेगा उसे और उसके परिवार वालों को यही सजा भुगतनी पड़ेगी। मासूम मास्टरनी शिल्पा ही अपनी विधवा मां का सहारा थी, इसलिए अर्जुन ठाकुर की जायदाद का आधा हिस्सा उसकी मां को दिया जाएगा। यह हमारा फैसला है। ये लीजिए छोटे मालिक, खेत वाले मकान की चाबियां। हम जा रहे हैं बड़े भैया। भाभी हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं भाभी। ऐसा क्यों किया आपने? मैं जानती हूं कि आप बेकसूर हैं। ना आपका मास्टरनी के साथ कोई संबंध था और ना ही आपने उसका खून किया। फिर आपने पंचायत में बड़े भैया से कहा क्यों नहीं? उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। आज तक बड़े भैया ने जितना मुझसे कहा मैंने उतना ही किया, जितना मुझसे पूछा मैंने उतना ही जवाब दिया। तुम नहीं जानती मीना, बड़े भैया और भाभी हमारे लिए साक्षात भगवान है। उन्होंने बचपन से मुझे और नकुल को अपनी औलाद की तरह पाला है। उनकी कुर्बानी की बुलंदी यह है कि हमारे लिए वो आज तक अपनी संतान के मां बाप नहीं बने। मैं नंद विश्वासों में यकीन नहीं रखती और वैसे भी मुझे बच्चे की कोई जल्दी नहीं है। आपको इतने बरसों से कोई औलाद नहीं हुई, चाहे तो आप ही बांध लीजिए। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अपनी बदकिस्मती पर रो रही हूँ। अपनी नादानी में मैंने बड़े भाई और दीदी का बार बार अपमान किया है, उनका दिल दुखाया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार भगवान से प्रार्थना कर बेटा कि वो तुझे सही रास्ता दिखाए और सुखी रखे। मैं सुख मांगने नहीं आया हूँ माई,
मैं 18 साल के बाद भगवान से वो शक्ति मांगने आया हूँ जिससे मैं दादा ठाकुर और उसके खानदान का सर्वनाश कर सकूँ। ऐसा मत बोल बेटा, किसी का बुरा चाहने वाले का भगवान कभी नहीं सुनते। लेकिन मेरी सुन रहा है माई, क्योंकि 18 साल के बाद जिस दिन मैं बिरादरी के अंदर आया उसी दिन दादा ठाकुर ने अपने भाई को बिरादरी से बाहर निकाल दिया। पहले कदम पर ही शुरुआत बहुत अच्छी हुई, अब देखना दादा ठाकुर का अंत कितना बुरा होगा। हे भगवान, क्या ये कभी नहीं सुधरेगा? दिखने में सुंदर चाहिए। कैसी लगी? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो बात आगे बढ़ाऊं? फटाफट फटाफट। आज तो दिल कह रहा है कि तुझे पिताजी कह के बुलाओ। मैं आज के बाद तुझे कभी बाप के दिन। अरे जरा कन्या की माता को बुलाओ, लगे हाथों लेने देने की बात भी हो जाए। हाँ हाँ जरूर। बेटी चांदनी। चांदनी प्राणनाथ। चांदनी प्राणनाथ। चांदनी क्या हुआ? बड़े कठोर हो, 3 महीने की बच्ची मेरी गोद में छोड़कर चले गए और आज अचानक 18 साल के बाद 48 साल की उम्र में मिले हो। अरे जब निभा नहीं सकते थे तो मुझसे दिल क्यों लगाया था? मुझे कुंवारी बात क्यों बनाया था? माँ मुझे माफ कर दे चांदनी, मैं मजबूर था, मेरे हालात मेरे फेवर में नहीं थे। वरना ऐसा कौन कमीना है जो तुझ जैसी गरम और ब्यूटीफुल बेबी को छोड़ सकता है? तुम्हारे छोड़कर जाने के बाद मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई थी और अकेले औरत को लोग बुरी नजर से देखते हैं, इसलिए मैंने इस मोहनलाल को अपने पास रखा है। 2 वक्त की रोटी और 30 रुपए महीने पर भाड़े का पति बनाया है। भाड़े का पति? हाँ, ये हमारी बिटिया रानी है। बिटिया? पिताजी। बेटी बीवी, ये चुमना चाटना शुरू हो गया। ए बाप के दिने। ओहो चांदनी, ये मेरा बेटा है गोरा। बेटा? बेटी मेरे काका, मेरे काका। मैं इसे समझाता हूँ। माँ के पूत, ये तेरी बहन है और ये तेरी सौतेली माँ नंबर 33। साले बाप के दिने, अब तक तू मुझे गूंगी बहरी लूली लंगड़ी दिखा रहा था, आज एक मुझे थोड़ी सी अच्छी दिखी तो उसको भी मेरी बहन बना दिया। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं साले। अरे मैं सैया बनने वाला था पर भैया बन गए। ये साला भैंसे की तरह खा रहा। अरे गोरे। प्राणनाथ रुकिए, कहाँ चले? जाने दो चांदनी, तेरी जवानी तो अब ढल चुकी है, तेरे लिए किराए का पति ठीक है। नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगले जन्म में स्वीट 16 की उम्र में फिर मिलेंगे, फ्रेश होकर मिलेंगे। नहीं। मालिक, फसलों की कटाई के लिए आज का दिन शुभ है, अगर आप इजाजत दें तो कटाई शुरू करवा दें। ठीक है अर्जुन। मुनीम जी, आज से अर्जुन का हर काम नकुल संभालेगा, अब साथ में रहकर मदद कीजिए। जी मालिक।
मीना मीना, अरे अरे ये क्या कर रही हो? चलो लो मुझे दो। अरे ये काम औरतों का है मर्दों का नहीं। हाँ मैं जानता हूँ लेकिन ऐसी हालत में नहीं करना चाहिए सब। अरे बाबा मैं माँ बनने वाली हूँ मरीज नहीं हूँ। अरे इसलिए तो कह रहा हूँ आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, घर का सारा काम मैं करूँगा, तुम आराम करोगी और खुश रहोगी, वरना बच्चे पर असर पड़ेगा, समझ गई? लाओ मुझे दो। नहीं दूंगी। अरे दो ना। क्या कर रहे हो? अरे दो ना। अरे पागल हो गया? हाँ पागल हो गया, लाओ मुझे दो। मैं आराम करती हूँ, तुम यही बैठे रहो। सुनिए एक बात कहूं, आप तो जानती हैं हमारी मीना मां बनने वाली है, हमारे कुल का वारिस आने वाला है, ऐसे समय पर उसके पास मां या सास का रहना जरूरी होता है जो उसकी मुश्किलों को समझ सके, उसे दिलासा दे सके, उसकी हिम्मत बढ़ा सके। वो सौभाग्य तो भगवान ने मेरे हिस्से में नहीं लिखा, बस इतना चाहती हूँ कि एक बार बहुरानी से मिला हूं, उसकी गोद भराई की रस्म पूरी करके उसके हाथों में कंगन पहना हूं। हम जानते हैं जिस पाबंदी की बेड़ी हमारे पैरों में पड़ी है उसमें ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इजाजत दे तो ये हो सकता है। नहीं लक्ष्मी, पंचायत का फैसला सिर्फ आसपास के 18 गांव के लिए नहीं, हम पर और हमारी हवेली के लिए भी है, तुम नहीं मिल सकती। क्या आपका फैसला पत्थर की लकीर है जिसे कोई नहीं मिटा सकता? दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालतें मुजरिमों को उनके रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत देती है, मगर आपकी पंचायत जिन्हें एक बार मुजरिम करार देती है उससे कोई भी नहीं मिल सकता है। सरकारी अदालतों में आदमी एक जगह हारता है तो दूसरी जगह अपील करने का हक रखता है, मगर आपकी पंचायत आप से शुरू होती है और आप ही पर खत्म हो जाती है, न कोई अपील न रियायत न सुनवाई। आपकी पंचायत ने मेरे अर्जुन को घर निकाला देकर एक माँ के दिल को निकालकर बाहर फेंक दिया। क्यों? सब अपना अपना धर्म निभा रहे हैं, आप अपना धर्म निभा रहे हैं, मेरी मीना ने अपना धर्म निभाया, हवेली के सारे सुख छोड़कर अपने पति के साथ चली गई, लेकिन मैं एक माँ का क्या धर्म है बताइए? अपनी पंचायत के लिए आप इंसाफ के फरिश्ते हैं, न्यायदाता हैं, लेकिन एक माँ के मुजरिम हैं आप। मेरी ममता आपको कभी माफ नहीं करेगी। ठाकुर साहब, फैसले सुनाना बहुत आसान है लेकिन सजाएं काटना बहुत मुश्किल। मैं आपकी इंसाफ की तौहीन करती हूँ, नहीं मानती मैं आपके इस फैसले को। पायलागु दीदी कैसी हो? जी ठीक हूँ। हम आप दोनों को यहाँ से लेने आए हैं, मीना का पहला बच्चा है, हम चाहते हैं कि गोद भराई की रस्म धूमधाम से करें। लेकिन लेकिन भाभी, भैया को हमने जो फैसला कर लिया है उसे कोई रोक नहीं सकता। नहीं मानती, नहीं मानती, नहीं मानती। भगवान हमें माफ कर देना, हमें उनका अपमान करने का ख्याल भी कैसे आया, कैसी उल्टी सीधी बातें सोचने लगे हम, फिर कभी हमारे मन में ऐसे ख्याल कभी ना आए। भगवान हमें माफ कर दो, माफ कर दो भगवान। रुक जाइए डैडी, हम इस वक्त गांव और बिरादरी से बाहर हैं, हमसे मिलना, हमारी मदद करना, दोनों गांव की पंचायत की नजरों में जुर्म है। मैं जानता हूं बेटी, लेकिन मुझे एक बाप का फर्ज भी तो अदा करना है,
सदियों से परंपरा चली आ रही है कि जब बेटी माँ बनने वाली होती है तो माँ बाप उसे आशीर्वाद देते हैं। मैं अपने आप को तेरे पास आने से रोक नहीं पाया बेटी। मैं माफी चाहती हूँ डैडी। मैं जिस घर की बहू हूँ उस घर के हुक्म की रेखा पार करके मैं आपका आशीर्वाद नहीं ले सकती। आज तेरा खत बाप से भी ऊंचा हो गया। मैंने जरूर किसी जन्म में मोती दान किए होंगे जो तेरे जैसे लायक बेटी मिली मुझे। खुश रहो, चलता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए बड़े भैया। सुनिए, बच्ची आपसे कुछ मांग रही है। लक्ष्मी, मेरे लिए तो यही बहुत है। एक दिन आपने मेरी खुशी के लिए ये चूड़ियां इस डाल पर बांधी थी। इनके साथ मुझे आप दोनों का आशीर्वाद मिल गया। हे संगीता। इश्क करेगी तू, इश्क करेगी। काट डालूंगा मैं तुझे, जिसम के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा मैं। चल यहाँ से, चल अपने कमरे में, चल अपने कमरे में। मार डालूंगा, जान से मार दूंगा मैं तेरे को, खत्म कर दूंगा मैं तेरे को। हाँ, तू भी पागल हो गया है क्या? क्यों मार रहा है इसे? ये हरामजादी नकुल के साथ इश्क लड़ा रही थी। इतने बड़े हिंदुस्तान में दिल लगाने के लिए वही घर मिला इसे तो क्या हुआ? आखिर वो भी तो हमारा ही खानदान है, और अगर इसकी वजह से दोनों घराने एक हो जाते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तू भी इसका साथ दे रही है? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। जग्गू, देख बेटा, इसकी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूँगा। चल यहाँ से, चल अंदर, चल। बड़ी आई थी, इश्क करेगी, इश्क करेगी। मैं बताऊंगा तेरे को मजा। बुढ़िया, अब ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। कल इसे शहर ले जाकर इसकी मंगनी शादी गोना सब एक साथ करवा दूंगा मैं। मनिया, जग्गू, अरे बच्ची, रो मत मेरी बच्ची। तेरे बाप के जिस जुल्म और दबाव में मैंने और तेरी माँ ने जिंदगी गुजारी है उसकी आंच भी तुझ पे लगने नहीं दूंगी। तेरी शादी नकुल से ही होगी। हाँ बेटा, जा उसके घर और उसका हाथ थाम ले। जो होगा मैं देख लूंगी। दादी माँ, मेरे साथ। संगीता, संगीता कहाँ गई? उसे जहाँ जाना चाहिए था। मतलब तुमने भगा दिया उसको? हरामजादी, दो टके की औरत। बस अब ये शब्द दोबारा मत बोलना। अगर मैं दो टके की होती तो मुझ पर तुम्हारा दिल ना आता। अपनी मान मर्यादा को ताक पर रखकर तुम मेरी कोख में अपने वंश का बीज ना बोते। तो तेरे मुंह में भी जबान है हरामजादी? हाँ, बहुत सह चुकी, अब और सहूंगी तो औरत जात का अपमान होगा। तुम्हारी इज्जत करना मेरा धर्म है, तुम्हारे जुल्म सहना मेरी मजबूरी नहीं। मजबूरी की बात करती है तू? मजबूरी की बात करती है तू? मजबूरी की बात करती है? आज तो आग लगा दूंगा।
मजबूरी की बात करती है। क्यों मार रहा है? अरे इसने संगीता को भगा दिया। संगीता को मैंने भगाया है, जो कहना है मुझे कह, मुझे सजा दे। तूने भगा दिया उसे, मैं भी देखता हूँ दादा ठाकुर अपने भाई की शादी मेरी बेटी के साथ कैसे करता है। ठाकुर, भले ही तुम इस गांव के मुखिया हो, लेकिन मेरे तो दुश्मन हो दुश्मन। तुम्हारे दिल में चलती हुई दुश्मनी की आग अभी तक नहीं बुझी, इसीलिए मेरी लड़की को भगाकर अपने घर में छुपा रखा है तुमने। अरे किस मुंह से अपने आप को मुखिया कहते हो? तुम्हारा मंजला भाई अर्जुन तो सबके सामने नंगा हो गया, लेकिन तुम उससे भी बड़े अपराधी हो। अरे अंदर क्या छुप कर बैठा है, बाहर निकल। कल आधी रात को ये भागी भागी आई थी। आप बहुत गहरी नींद में थे, इसलिए आपको जगाने की हिम्मत नहीं पड़ी। हमारी समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। एक तो जवान लड़के की इज्जत का सवाल, दूसरे ये कोई अनजान लड़की तो है ही नहीं, इसलिए से यहीं रहने दिया। हमने सोचा सुबह आपको बता देंगे, हमसे भूलोगे, हमें माफ कर दीजिए। 18 साल तक कितने प्यार से पाला पोसा मैंने अपनी बेटी को, और तुम अपनी दुश्मनी के कारण उस प्यार को तबाह करना चाहते हो। अरे एक भाई ने तो बेचारी मास्टरानी को मसल कर उसे जान से मार दिया, और अब दूसरा भाई मेरी मासूम सी बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा। संगीता जाओ अपने पिता के पास। अरे भैया मुझे पिताजी के पास मत भेजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ये क्या पागलपन है? जगन्नाथ जो कह रहा वो सही कह रहा, वो तुम्हारे पिता, उसके पास तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन मैंने कहा ना। नीच, तू क्या समझती थी कि तू भाग जाएगी और मैं खामोश रहूंगा? तुझे अपने खानदान की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा, खुद ही बिहार जाने चली गई। हे हमजादी, मैं करूंगा तेरी शादी, जहाँ चाहूंगा जिससे चाहूंगा करूंगा। मैं नहीं, शादी नहीं करूंगी। चल, मैं शादी उसी से करूंगी जिससे मैं पसंद करती हूँ। मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं करूंगी। अपनी मर्जी से शादी करेगी? शादी रुक जाओ। जवान बेटी पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम किससे शादी करना चाहती हो? कर, नहीं तो काट कर रख दूंगा। तेरी शादी कहां और किसके साथ करनी है उसका फैसला मैं करूंगा, नहीं तो तेरा गला दबाकर मैं तुझे जान से मार दूंगा। नादानों की तरह बात मत करो, इसे अपनी पसंद का दूल्हा चुनने का पूरा हक है। यह हंगामा बंद करो और चुपचाप अपने घर जाओ। अब यह तुम्हारी बेटी नहीं, इस हवेली की होने वाली छोटी बहू है। हम जल्द ये रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आएंगे। थूकता हूं तुम्हारे इस रिश्ते पे और इस हवेली पर। मैं इसकी शादी किसी लंगड़े लूले अपाहिज के साथ कर दूंगा, मगर तेरे भाई के साथ कभी नहीं करूंगा कमीने। अबे तभी से बात करो, हमारे दादा ठाकुर से बदतमीजी की। तेरी जबान खींच लेंगे, मारो पहले को। रुक जाओ। होली के त्योहार के बाद इस लड़की की शादी मेरे छोटे भाई नकुल के साथ होगी, यह हमारा फैसला है। होली के त्योहार के बाद इस लड़की की शादी मेरे छोटे भाई नकुल के साथ होगी, यह हमारा फैसला है। ठाकुर साहब, दादा ठाकुर उसूल के साथ साथ जवान के भी बहुत पक्के हैं।
वो तुम्हारी बिटिया को अपनी बहू जरूर बनाएंगे। वो कमीना मेरी बेटी को बहू बनाएगा मुंह उठा के? उसकी ये हिम्मत? वो मेरी शैतानी फितरत को नहीं जानता। मैं अपने बाप की तरह बेवकूफ नहीं हूँ कि सामने से गोली मारकर कस्बे से अपना हुक्का पानी बंद करवा ले। मैं फरेब और चालाकी से मारूंगा उसे, जैसे मैंने मास्टरानी का खून करके उसके भाई अर्जुन का हुक्का पानी बंद करवा दिया। राघु साहब, तो क्या मास्टरानी का खून आपने किया है? हाँ मैंने किया है। मैंने उस मास्टरानी को अर्जुन को फंसाने के लिए भेजा था, मगर वो उसे फंसा ना सकी तो मेरे पास आई मुंह उठा के। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मैंने अर्जुन को हर तरह से फंसाने की कोशिश की, मगर कोई मेरा विश्वास ही नहीं करता। मुझे लोग मारने के लिए आ रहे हैं। अरे चुप साली, दो टके की मास्टरानी, दो महीने से एक जवान लौंडे को नहीं फंसा सकी, लाला था तेरी जवानी पे मुंह उठा के। ठाकुर साहब, अगर मेरे पिताजी ने आपसे कर्जा ना लिया होता तो मैं ये काम आपका कभी नहीं करती। उस खानदान को लोग देवता की तरह पूछते हैं, और वो देवता है भी। मैं आपका कर्जा कैसे भी चुका दूंगी, मुझे इस वक्त रवाना कर दीजिए। तू ठीक कह रही है, जब तू किसी काम की नहीं रही तुझे रवाना कर देना ही ठीक है। बड़ी मेहरबानी आप। इस तरह उस कमीने दादा ठाकुर को मजबूर होकर अपने भाई का 12 साल के लिए हुक्का पानी बंद करना पड़ा। और अब कल होली के दिन मैं दादा ठाकुर और उसके छोटे भाई नकुल को खत्म कर दूंगा और लठबाजी में मारे जाने का बहाना बना दूंगा मुंह उठा के। कमीने नालायक, अपनी करनी की सजा तूने उस भोले अर्जुन को दिलवा दी। भगवान जैसे भाई भाई को अलग करवा दिया, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। ए माई, ज्यादा मत बोल, तेरी सांस फूल जाएगी। अरे तू जैसे शैतान को जन्म देते वक्त जब मेरी सांस नहीं फूली तो अब क्या फूलेगी? मैं अभी जाकर दादा ठाकुर को सब कुछ बता देती हूँ। ए माई, तू तब तक बाहर नहीं जाएगी जब तक मैं दादा ठाकुर के खून के साथ होली नहीं खेल लूं। चल अंदर, तू चल अंदर, बंद कर, चल। देखा, ये है हमारा घर, पर अब सुबह तक सुहाग रात मनाएंगे। ओरा, कौन आई ये लड़की? अरे बाप के दिने, दिखाई नहीं देता? मैं इसे शादी करके लाया हूँ, ये बहू है तेरी। माँ के पुत, जब बाप जिंदा है तो उसे पूछे बगैर शादी करने का मतलब क्या है? मतलब ये कि मैं मेरे बाप को मरा हुआ मानता हूँ, गिरा हुआ मानता हूँ। अबे माँ के पुत, चिल्लाओ मत। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आओ आशीर्वाद लो मेरा। अरे जा रे जा, तेरे जैसे कमीने का आशीर्वाद लेकर मैं ये मेरी नई नवेली गृहस्थी बर्बाद करना नहीं चाहता। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरे ससुर हैं, हमें इनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ठीक है, तू ले ले, ले ले, मुझे नहीं लेना। और सुन, दूर से ही लेना, उसकी बॉडी को टच मत करना। अरे अरे छोड़िए ससुर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, आशीर्वाद दे रहा हूँ। छोड़िए ना, छोड़िए सर, छोड़ छोड़। अरे क्या कर रहा था इसे? नहीं बहू है, प्यार से गले लगा रहा हूँ। इसको गले लगा रहा था कि गले पड़ रहा था? साले कमीने, में तेरी नियत अच्छी तरह जानता हूँ। अरे माँ के निकल। मंगला, तुम आप कैसे हैं? नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अकेला छोड़कर तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हारी एक कुत्ते की तरह हर जगह मुंह मारने की हरकतों से तंग आकर एक सेठ की नौकरानी बनकर दुबई चली गई। दुबई? लेकिन वो सेठ तो तुम्हारा भी बाप निकला। अरे अरे अरे, ऐसी ऐसी हरकतें करता था कि मैं दुबई छोड़कर वापस यहाँ चली आई। लेकिन आखिर तू आई मेरे पास ही ना? मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। मैं तो हमारे उस बच्चे से मिलने आई हूँ
जिसे मैं छोटा सा तुम्हारे पास छोड़कर चली गई थी। अब तो वो बड़ा हो गया होगा ना। कहाँ है वो गोरा? वहाँ। बेटा गोरा, इतने दिनों से तू पूछ रहा था ना कि तेरी माँ कहाँ है। ये रही तेरी माँ। माँ? बेटा। माँ। मेरा बच्चा। माँ। बेटा। माँ। माँ, तुम्हारे बड़े शुभ दिन मिली हो मुझे। आज ही मैंने शादी की है। डार्लिंग, मदर आशीर्वाद, मदर गिव आशीर्वाद। खूब खूब सुखी रहो। चुप। सुनिए। आहिस्ता आहिस्ता मीना। आओ। क्या कर रही हो, जरा संभाल के। क्या बात है? मुझे आपसे एक इजाजत लेनी है। कैसी इजाजत? वो त्योहार में लटबाजी देखने जाना है, जाने दीजिए ना प्लीज। लेकिन वहाँ तुमसे कोई बात नहीं करेगा, कोई तुमसे मिलेगा नहीं। मुझे मालूम है, मैं दूर से देख कर आ जाऊंगी, मेरा दिल खुश हो जाएगा ना। और फिर आप ही ने तो कहा था मुझे हमेशा खुश रहना चाहिए, मुझे जाने दीजिए ना प्लीज। अच्छा बाबू जाओ। थैंक यू। कर इधर मरने को आई हरामजादी, चल चल बाहर यहां से, गांव से बाहर हो। साल से जो बदले की आग मेरे सीने में जल रही है, आज मैं उसे तेरे खानदान की समाधि पर बुझाऊंगा। Oh!
मैंने इसे, ये मेरी कोख का दर्द नहीं, मेरे सीने का नासूर था।
मास्टर जी के खून से लेकर अर्जुन के तड़ी पार होने तक सारे गुनाह इसी ने किए हैं, इसी ने। और सजा पाई बोले अर्जुन ने। नहीं, तुमसे गलत इंसाफ हो गया धर्मराज, गलत फैसला हो गया तुमसे। हुआ ये क्या कह रही आप? भगवान के लिए बड़े भैया पर गलत फैसले का इल्जाम मत लगाइए। भैया, भैया आपने कोई गलती नहीं की, आप कोई गलती कर ही नहीं सकते। जिन हालात में आपने मेरे साथ ये फैसला किया, पिताजी होते तो वो भी यही करते भैया। हाँ बेटे, मैं तेरे फैसले को गलत नहीं कह रही हूँ। अगर मुझसे कहने में कुछ भूल हो गई हो तो मैं माफी चाहती हूँ, माफ कर दे। धर्मराज, अरे भगवान, क्या हो गया, क्या हो गया ये? तुमसे गलत फैसला हो गया ये सोचकर तुमने अपनी जान दे दी। अर्जुन बेटा, इस न्याय के देवता को मैंने मार डाला, मैंने जान ले ली इसकी। इस न्याय देवता को मैंने मार डाला, मैंने मार डाला। बहुरानी, अर्जुन ठाकुर पंचायत के लिए निकल रहे हैं। अरे शामू, जल्दी से बग्घी तैयार कर। मैं चलूं?